दोस्तों, जहां 2023 प्रॉपर बिल्कुल बॉलीवुड के नाम रहा था, साउथ की फिल्में इतना अपना चमक दमक दिखा नहीं पाई थी एंड यूनिक कॉन्सेप्ट के मामले में भी बॉलीवुड ने बाजी मार ली थी 2023 में। एंड ठीक अब 2024 में भी बॉलीवुड बाजी मारने वाला कंटेंट के मामले में एंड कमाई के मामले में, एंड उसका एक नमूना सामने आ चुका है। फरवरी के महीने में वैलेंटाइन के वीक के मौके पे शाहिद कपूर एंड कृति सनन की फिल्म TBMAUJ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, फिल्म का भाई नाम काफ़ी बड़ा है, इसका ट्रेलर अभी आ चुका है। नो ग्लिम्स नो टीजर, पहले आया पोस्टर, फिर सॉन्ग, फिर आया ट्रेलर। इसका कॉन्सेप्ट कहानी काफ़ी यूनिक है, ऐसी कहानी कॉन्सेप्ट पूरे इंडियन सिनेमा में एज इट बिल्कुल भी नहीं बनी। हालांकि रोबोट फिल्म बनी थी वो अलग थी, ये अलग है। इसमें सीन ये होने वाला है कि शाहिद कपूर को हो जाता एक रोबोट से प्यार, एंड रोबोट कौन है, कृति सनन। तो अब क्या उनकी शादी हो पाएगी एंड उनके प्यार उसको एक्सेप्ट कर पाएगा समाज, उनकी फैमिली, इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। एंड दोनों के प्यार की, एक इंसान है एक रोबोट है, इन्हीं की भाई बसर दिखाई जाएगी फिल्म में, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिल्म में धर्मेंद्र भी हैं, डिंपल कपाड़िया भी है, शाहिद, कृति तो है ही है। स्टार कास्ट काफ़ी इसकी भाई तगड़ी है, एक फैमिली फिल्म होने वाली है। बट इसमें भाई 3-4 किसिंग सीन तो उन्होंने इसी में दिखा दिए टीजर में, तो फिल्म में कितने होंगे पता नहीं। तो इसका मैं फैमिली फिल्म बोलूँ या ना बोलूँ वो आप सबके ऊपर है। बट वैलेंटाइन वीक के मौके पर आ रही है 9 फेब को, एंड 9 फेब को ही एक ब्लू वैलेंटाइन नाम से फिल्म आ रही है। इसमें भाई अपनी मिस वर्ल्ड मानुषी चिल्लर भी होने वाली, तो फिल्मों का क्लैश होने वाला है। बट वो फिल्म अलग होने वाली है, उसकी वाइब आ रही है प्रॉपर फाइटर वाली की, एक एयरफोर्स का बंदा है, जेट है, ये है। एंड ये एक अलग फैमिली फिल्म है भाई, इसमें एक्शन कम होगा, वीएफएक्स कम होगा, ओनली स्टोरी होगा, ह्यूमर होगा, रोमांस होगा, गाने होंगे, ये ड्रामा होगा, बेसिक साइज का प्लॉट होगा। बट कहानी एंड स्टोरी लाइन काफ़ी इसकी नई है। इसमें भाई म्यूजिक भी बहुत ही अच्छा है, गाने बजेंगे, थिएटर में मज़ा आएगा, यूथ को मज़ा आएगा। तो आपका बस भाई वही देखना कि रोम कॉम यानी कि रोमांस प्लस कॉमेडी है फिल्म के अंदर। फिल्म का बजट है मात्र 45 से 50 करोड़ तक। फिल्म अपने डे पर कमा लेगी 15 या फिर 12 करोड़ तक, एंड लाइफ टाइम कमा लेगी 80, 90 या 100 करोड़ तक। तो फिल्म की कहानी मैटर करती है, क्या वो पब्लिक को बोर नहीं कर पाएगी, तो मजा आएगा, पब्लिक का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होगा, क्योंकि फरवरी के मौके पर बड़ी बड़ी फिल्में नहीं आ रही। मार्च में आ रही है अजय देवगन की शैतान, बट फरवरी में वैलेंटाइन के मौके पे कोई बड़ी फिल्में नहीं है, ये दो फिल्मों का क्लैश है, तो अच्छी खासी कमाई कर पाएगा बॉलीवुड। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक भाई टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज़।